एवरीवन व्हाट्स अप. सो टुडे आई वाज नॉट प्लानिंग टू व्लॉग बट मैंने सोचा कर लेते हैं बिकॉज आज मेरा शूट डे का प्लान था तो आई फील मोर प्रोडक्टिव जब शूट डे होता है, जब मैं व्लॉग नहीं कर रही होती बिकॉज मेरा ध्यान सिर्फ शूटिंग कंटेंट में रहता है. बट वो मेरा अभी अभी कैंसिल हुआ है. अभी बस बजने वाले हैं 11 एंड मैंने पूरा सेटअप कर लिया था. एवरीथिंग वाज रेडी. मेरा कैमरा बैटरी भी चार्ज मेरी हो रही थी बट लास्ट मोमेंट वो मेरा प्लान कैंसिल हो गया बिकॉज अभी मुझे जाना पड़ेगा मार्केट और मुझे इसी टाइम पे शूट करना था. मार्केट इसलिए जाना है क्योंकि मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स निकलवानी है मम्मी पापा की और अपनी मम्मी की या फॉर सम इंश्योरेंस थिंग. या सो फिज़िकल कॉपी चाहिए. सो या आई एम जस्ट गोना गेट इट. देन आई एम गोना गो एंड पिकअप कबीर एंड देन आई एम गोना ड्रॉप द पिक्चर्स टू हैरी. हैरी के ऑफिस जाना है. या सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दी फोटोग्राफ्स नाउ एंड इसीलिए प्लान कैंसिल हो गया शूट का. तो मैंने सोचा ओके लेट्स डू द व्लॉग. या इफ नॉट, इफ आई एम नॉट शूटिंग, लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव बाय व्लॉगिंग. सो तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा एडिटिंग पे बिकॉज मैं शूट तो कर नहीं रही जबकि मैंने अपने जर्नल में शूटिंग मेरी टॉप प्रायोरिटी डाली थी. बट एनीवेज और वो मैं जो फोटोग्राफ्स वाला काम है वो भी आज कराना है बिकॉज आई थिंक इट्स समथिंग लास्ट डेट है आज किसी चीज़ की. सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो आई एम जस्ट गोना गो एंड आई विल टेक यू अलोंग. लेट्स गो. फोटोज का काम हो गया है. अब चलते हैं वापस घर. थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी फिर कबीर को पिकअप करने जाऊँगी एंड विल ड्रॉप दीज पिक्स टू हैरीज ऑफिस एज वेल. ऑल राइट आई एम होम एंड या जस्ट और अभी मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ एक नई वीडियो एडिट करना है. इट्स अ फाउंडेशन रिव्यू जो कि आप जल्दी देखेंगे और जब तक ये व्लॉग जाएगा आई एम वेरी श्योर इट विल बी अप. मैं कोशिश करूँगी आज इसे अपलोड कर दूं ये वाले फाउंडेशन रिव्यू को या फिर ये कल पब्लिश होगा. सो या लेट्स जस्ट वर्क. ऑलराइट इट्स टाइम एंड 11:50 हो चुके हैं. जस्ट गोइंग टू गेट कबीर नाउ. आल्सो टेकिंग द फोटोग्राफ्स अलोंग एंड या लेट्स गो. सो वी आर वेटिंग जस्ट आउटसाइड हाइज ऑफिस. कबीर को मैंने पिक कर लिया है. जशीश मंजिल कबीर. जशीश कबीर आ गए. या सो बहुत गर्मी है भाई. अभी बाहर इतनी नहीं लगती जितनी गाड़ी में लगती है. बहुत गर्मी है. मेरा एसी फुल ब्लास्ट में ऑन है. इट्स सो हॉट ऑलरेडी. So got back home. कबीर को कपड़े बदल दिए हैं. आई एम आस्किंग हिम टू टेक बाथ बट ही इज डिनाइंग. और गर्मी हो गई अब तो लाइक लेना ही चाहिए. सुबह ही लेट उठता है इसलिए सुबह का अब रह जाता है. बट अब कुछ ही दिनों में इसको सुबह का बेदिंग रूटीन में स्टार्ट करूँगी. अभी ये वापस आके ही लेता है जनरली और आज ये मना कर रहा है. एनी वेज आई क्लीनड अप हिज टॉय एरिया येस्टरडे नाइट. And it's just looking much better and much organized. Now I'm feeling good about it. Yeah. What's up?
It's 5:15, Kabir is sleeping. I edit a video और अभी schedule कर दी है मैंने शाम की. Already शाम हो चुकी है but कुछ घंटे में वो publish हो जाएगी. And I am definitely feeling that there are some deficiencies going on. मेरी कमर lately काफ़ी दुखने लग गई है and I'm very sure it's D3. Because सर्दियों में तो हमने धूप बिल्कुल ली ही नहीं है एंड आजकल की लाइफस्टाइल में D3 काफ़ी कम हो जाता है. सो आई एम जस्ट गोना आस्क हैरी टू ब्रिंग सम D3 सप्लीमेंट्स मैं अपने डाइट में इंक्लूड करूँ. एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड मल्टी वाइटमिन्स एंड B12. या बिकॉज यू नो आई एम ऑलरेडी इन माई मिड 30s. दो आई ट्राई टू ईट वेरी हेल्दी आई ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग बट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं एब्जॉर्प्शन नहीं होती कई बार. सो आई रियली नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ सप्लीमेंट्स एंड आई जस्ट स्टार्टेड दैट. या एनीवेज अभी मेरी कमर दुख रही है. आई एम जस्ट गोना लाई डाउन फॉर अ बिट विद कबीर एंड फिर उसके बाद देखूंगी क्या करूंगी. आई ऑल्सो एडिटेड अ व्लॉग लाइक हाफ एडिट कर लिया है हाफ अभी पड़ा है. सो उठने के बाद आई थिंक आई एम जस्ट गोना वर्क ऑन दैट. या